मतलब हद होती है किसी बात की, हद। पहले मम्मी ने बनाई है स्पेशल मेरे लिए, किसी की होएगी सासू मैं ऐसे, बहू के लिए अलग खाना स्पेशल। नेल उतर गया मेरा, ये देखो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। 8:30 का टाइम हो रहा है और मैं पाठ पूजा करके पंछियों के लिए दाना लेके आई थी, और ये देखो नीचे, मतलब हद होती है किसी बात की, हद। पहले तो ये बहाना था कि बारिश नहीं रुक रही तो पानी नहीं उतर रहा, अब तो 3 दिन हो गए बिल्कुल भी बारिश नहीं है तो भी पानी वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। ये मेरे हिसाब से तो मतलब यहाँ की सरकार को इसी पानी में नाक डुबो के मर जाना चाहिए, कमाल है। मतलब पूरे 10 दिन होने के आए हैं, पूरे 10 दिन, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा यहाँ का। तो बस पंछियों को पानी नहीं दाना डाल दिया नीचे। फिलहाल तो पहले ब्रेकफास्ट रेडी है, ब्रेकफास्ट करते हैं। अरबी बनाई है, तरी वाली भी और सूखी भी, क्योंकि मैं तरी वाली अरबी बिल्कुल नहीं खाती। मम्मी ने बनाई है स्पेशल मेरे लिए, किसी की होएगी सासू मैं ऐसे, बहू के लिए अलग खाना स्पेशल। किस्मत वाली हूँ वैसे मैं, ऐसा घर मिला मेरे को। ओहो, नेल उतर गया मेरा, ये देखो। मेरे को लगा था 2-3 दिन ही चलेगी ये, पर 15 दिन निकाल गई, पूरे 15 दिन। अभी इनको भी, बच्चे हुए को भी उतार ही देती हूँ, ऐसे अच्छे लग रहे हैं। वैसे मैं कई दिनों से ट्राई कर रही थी उनको उतारने के लिए, क्योंकि मेरे को इरिटेशन हो रही थी उनको देख देख के, क्योंकि नॉर्मली मैं नेल पेंट भी लगाती कभी हाथों पे। तो प्रियंका से पूछा, वो कहती स्पेशल रिमूवर आएगा उतारने के लिए, ऐसे उतरेंगे ही नहीं। और मम्मी कहते कि अच्छे लग रहे हैं खड़े रहने दे अभी, तो मैंने सोचा कि खड़े ही रहे, जब टाइम आएगा अपने आप ही उतर जाएंगे। धक्का नहीं किया मैंने, खाना उना तो हो गया। अब सबसे पहले किचन का सामान मंगवाती हूँ और सब काम बाद में। हेलो, जाकर मैं भी चला गया ना, चला चलो पानी से चला लो गया दोनों लेके भाई। तो मुश्किल है, मैं भी जाऊंगा। तू तो पहले तैयार रहा कर, चलो फिर मैं नहीं जाती क्योंकि पानी भर रहा है, 2 जानों में बाइक चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्या लिया है? इन ना सेट करो, मैं अभी खाली कर दूंगी। नूनी लिया है क्या क्या? वो मैं जो मंगवाया सी पहला वो दसो, चावल का आटा मंगवाया सी, लिया है? मिला नहीं। मिलता क्या है इतो? हाँ बस ये चीजा पहला ले आया करो, तो बीमार करने तो अगे रहते हो बंदे तो। वाओ, केसर इतो तो असली मिले, केसर लेके आयो? पॉसिबल है आदमपुर जो ओरिजिनल केसर मिलना? चलो मैं सेट करती हूँ सामान, आप जाओ शॉप पे। ये देख लो, आधा घंटा हुआ नहीं रोटी खाई को, फिर से मुंह उठा के आ गए हैं मैगी खाने। इनको मतलब जो जो ये सामान लेके आए हैं ना, जब तक खत्म नहीं होएगा सब, चैन नहीं पड़ेगा इनको। क्या बनाना है बोलो? मैगी बनाओ, जीने नहीं देंगे ये मेरे को चैन से। ऐसे नहीं भी थोड़े देर बंदे को आराम करने दे, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ये तो। मेरे को भी कराना एक स्पून टेस्ट दे दो। आपका मुंह ही बन गया। क्या मैगी है भी ये? टेस्ट का तो पता नहीं, बीमार होने का जुगाड़ पक्का है ये। इतनी स्पाइसी, कमाल है, पता नहीं कैसे खा रहे हैं। मैं क्या करूं इन बच्चों का, समझ से बाहर है कहानी। कर भी नहीं, देखो इधर क्या किया है, खा खा के बिस्किट क्रीम क्रीम चाट के बाकी बिस्किट इधर ठूस गया ये लड़का। देख ले, मैं तेरे को पूछ रही थी ना किधर है, ये देख ले क्या किया। गरीब के काम है। क्या किया बाबू? मैंने तो पूरे मैंने खा लिए क्रीम के साथ, गरीब ने नहीं खाए। बताता भी नहीं ऊपर से, चाहे कीड़ियों से भर जाए पूरा घर। अभी देख लो क्या कर रहे। जूते ले लो, जूते ले लो, जूते ले लो। तो जूते पहनूंगा। मैं तो कुछ नहीं कर रहा। दुकान लगा रखी है इसने उसकी। अपने सारे के सारे जूते निकाल के अलमारी में से। क्या कर रहे बाबू? मैं ओए आई, तू बच्चा बन के आई।
नाक में दम कर रखा है दोनों ने आज मिलके। मेरी मम्मी भी नहीं है आज घर पे, तो अब तो कर ये कर रहे हैं अपनी शरारतें। मैं डिनर तैयार करती हूँ, 8:30 बज चुके हैं, कुछ नहीं बनाया अब तक मैंने। देखते हैं अभी क्या बनाएंगे। कौन लेके आया बाबू? दादी। कहाँ है? दादी। तो फाइनली शुक्र है मम्मी आ गए। इन्होंने नाक में दम कर रखा था मेरे दोनों ने, और साथ में लाए हैं घेवर, मेरी फेवरेट मिठाई, मंगवाई थी मैंने सुबह। तो सबसे पहले अभी लड्डू गोपाल को खिलाते हैं। चम्मच से खिलाओ ना, स्पून से खिलाओ, इधर से खिला दे, यहाँ से दे। ये देख ले, ऐसे जूठा निकलाते होते बस। अब खा ले तू, पूछो तो सी भगवान जी से, अच्छा बना क्या? अच्छा है, अच्छा। तेरे को कैसा लगा? बहुत टेस्टी। कितना मन कर रहा था मेरा, कितने दिन से पानी भरा हुआ था, कहीं निकल ही नहीं होता था। आज थोड़ा बहुत पानी निकले तो हिसार गए थे मम्मी। तो बस फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।